तो इसको चमाट मार दिया, और दूसरी वाली पे आई तो तमीज सीख पहले जाके। तो जैसे कि अभी आपने लव कटारिया का नाम लिया, लव एल्विश भी अदनान के अगेंस्ट वीडियो बना के डाल रहे हैं, जो अदनान ने उनके अगेंस्ट डाला था कि चूड़ी पहन के बैठे। हाँ, वो चूड़ी वाला सीन तो ठीक है। ये कटारिया, क्या कटारिया नाम है ना उसका, इसको कोई जानता नहीं है, एल्विश के वैसे इसको जानते हैं, और एल्विश को भी कोई नहीं जानता था। चार साल पहले उसकी वीडियो उठा के देखो, यूट्यूब पर से टिकटॉक पे ही फेमस हुआ है, और अभी भी दो वीडियो मैंने इसकी देखा, कैसे अदनान की वीडियो मतलब नाम लेके डाला है। और चूड़ी की बात है तो इसको अभी चूड़ी की याद आई 6 महीने बाद, तो शादान ने इसको बोला है कि चूड़ी देगा, कलर डिसाइड नहीं किया, वो मैं कर देता हूँ तेरे लिए। देखो ना, लाल कलर सूट करेगा, रेड। इवन हेड ऑफ हाउस के लिए भी जब नाम मतलब लिया जा रहा था, तो अरमान को कहीं ना कहीं डर था कि अदनान को ना बनाया जाए, उनको भी ऐसा लग रहा है अरमान को कि मतलब अदनान के लिए टफ कॉम्पिटिटर है, तो आपको ऑफ कोर्स सबके लिए टफ है वो वहाँ पे, मतलब वो जीत के आ रहा है ना, उसको मालूम पड़ गया। नहीं भाई ने ही बोल दिए कि जीत तो जहत में एक आ गया है ट्रॉफी लेने के लिए, तो लेके ही जाएगा। इवन आपको जैसे कि आपने अभी कहा कि एल्विश भी टिकटॉकर थे, टिकटॉकर नहीं थे, मतलब यूट्यूब से फेमस, हाँ, YouTube, उसमें फेमस हुए yes. थे, लेकिन कमेंट सेक्शन में कई लोगों का ये भी कहना है कि अदनान भी एज अ टिकटॉकर फेमस हुए थे। ऑफ कोर्स हम लोग तो टिकटॉक बना के ही फेमस हुए, हम लोग स्टार्ट में से ही टिकटॉक बना रहे, हम लोग डेली 50 वीडियोस डालते थे, अब जाके हम ये मुकाम पे पहुंचे, तभी तो अदनान भाई देखो बिग बॉस में इंशाल्लाह सब जाएंगे। जैसे कि अदनान ने जिस प्रकार सना मकबूल का स्टैंड लिया है, उसी के वजह से कई सारे लोगों के साथ झगड़ा हो गया था, तो आपको इस पे क्या कहना है? मतलब भाई लड़की का स्टैंड लेना तो अच्छी बात है ना, मतलब किसी और को बदतमीजी से बात करना है तो अदनान है वहाँ पे संभालने के लिए। इवन अरमान मलिक जो हमेशा ऐसे, जैसे कि अदनान ने कहा था कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, लड़कियों से कैसे बात करते, यही सबके वजह से हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि अरमान इसमें कितना सही या कितना गलत है? मेरे को तो अरमान का गेम ही समझ में नहीं आ रहा है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ नेजी को ये बोल रहा है वो बोल रहा है, मेरे को जरा पसंद नहीं है। मेरे को एक खाली दो ही पसंद है अपने, अदनान भाई और नेजी भाई, और लोग दोनों की अच्छी खासी जमरी भी है, केमिस्ट्री में देखा। भाई बोले कि भाई 25 दिन से मेरी किसी जमरी नहीं है, अभी तुम आ गए तो तुमसे जमरी है, ये दोनों की जोड़ी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के बाद देख ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बाहर सामने आई है? मेरे को भी ऐसा लगता है कि बिग बॉस के बाद लाइफ टाइम रहेगी साथ में। और अभी रिसेंटली साई और लव के बीच भी फाइट हुआ था, हाथापाई हो गई थी, तो मैं देखा वो उसकी तो बोलती बंद हो गई, मैं देखा उसने बॉडी वॉडी दिखाया, वो हाथ बांध के पीछे से खड़ा था लव के, उससे नहीं हो पाएगा झगड़ा फड़ा, फिर वो अदनान से करेगा तो कहाँ बच रहा है। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अदनान को अभी कुछ ही दिन हुए आए, लेकिन उनको कुछ चेंजेस करना चाहिए अपने बिहेवियर में या फिर अपने गेम में? थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा चेंज करना चाहिए, लेकिन वो जैसा भी हो रॉ है, रॉ का और ही अलग होता है, वो अदनान भाई का है, सब बोले कि नॉक नॉक तेरा बाप आया। आपको क्या लग रहा है अभी बिग बॉस के घर में कौन रियल है और कौन फेक है? अभी तक तो मैं बिग बॉस इतना देखा नहीं, भाई आए तो मैं देखना चालू कर दिया, ठीक है, अदनान और नेजी और विशाल और सना सुल्तान भी अच्छा खेल रही है, थोड़ा सा ड्रामा है लेकिन अच्छा खेल रही है, मजा आ रही है उसको देख, उसके जो लहजा है बात करने का तरीका है वो सबसे अलग है, अभी तक बिग बॉस में आपने देखे नहीं लगे आला ये सब मतलब yes. का फेमस वन। और आपको ऐसा लग रहा है अभी सना मकबूल के लिए स्टैंड लिए है अदनान, तो कहीं ना कहीं अदनान और सना मकबूल की भी बॉन्डिंग हो सकती है, अभी स्टैंड लिया है तो स्टैंड के बाद दोस्ती बढ़ती है, फिर दोस्ती के बाद बॉन्डिंग बढ़ती है, आई होप बॉन्डिंग के बाद और कुछ बढ़ेगा नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ यहाँ से कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ओनली फ्रेंडशिप। अगर वैसी कुछ केमिस्ट्री किसी के साथ हो गई अदनान की, तो आपको क्या लगता है किसके साथ ऐसी केमिस्ट्री रहनी चाहिए? नहीं, अपने भाई सिंगल चल रहे ना, अपने भाई नहीं ले रहे किसको भी, वेरी गुड भाई, अपनी वाली अम्मी लाएगी। इवन अभी टीम 7 की भी जो पूरी ग्रुप है वो हज जाने वाली है। हज नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे उमरा करने के लिए, मैं तो एक बार जा चुका हूँ, अभी ये बार मैं हसनैन और शादान को भी ले जा रहा हूँ, दुनिया की सबसे सुकून वाली जगह है, एक बार आप जाएंगे तो अदनान को कितना मिस करेंगे आप? अदनान के लिए तो जा रहे हैं वहाँ पे, दुआ करेंगे ना। अच्छा, हाँ, मक्का मदीना में दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह जल्दी सुनेगा और हम जीत जाएंगे। तो आपको क्या लगता है टॉप 3 में कौन कितने कंटेस्टेंट होंगे, कौन कौन होगा? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं तो देखो पहले पे मेरी पहली प्रायोरिटी अदनान ही है, उसके बाद नेजी, उसके बाद शायद विशाल या सना हो सकता है। और कुछ अदनान के फैंस को? अदनान के फैंस को यही बोलूंगा कि हमको जो तुमने स्टार्टिंग में प्यार दिखाया था वैसा ही प्यार, अब हमारी आर्मी बड़ी हो चुकी है तो फुल सपोर्ट चाहिए, वोटिंग के टाइम पे आप नहीं रुकना, सिर्फ वोट करते रहना, आप लोगों का प्यार चाहिए, लव यू ऑल।